हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लेवर राज। तो यार कैसे आप लोग, मेरा नाम है राज। मैं एक और वीडियो आप लोगों के लेकर आया हूँ। आप जब अपने फ़ोन से फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो, ठीक है दोस्तों, और जब आप काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर से जब वीडियो को एडिट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो फ़ोन की स्क्रीन को जो वहाँ पर दिखाते हो तो बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कैसे फुल HD फ़ोटो या 4K फ़ोटो को डाउनलोड करके आप अपनी वीडियोस में लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, या कोई भी फुल HD या 4K फ़ोटो आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में लगा सकते हो दोस्तों। तो वहाँ वो आपको डाउनलोड कैसे करना है जिससे आपके चैनल पर कॉपीराइट ना आए, ना कॉपीराइट स्ट्राइक आए, ठीक है दोस्तों। तो वो मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है फ़ोटोज़ 4K क्वालिटी में, ठीक है, और फुल HD क्वालिटी में। वो आप पर डिपेंड है आपको किस पे करना है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। चलता हूँ आपको लेकर अपने मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों, फिर सारी चीज़ें वहीं बताता हूँ मैं आपको कैसे आप बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के आप फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं करना, हमें आना है यहाँ पर गूगल क्रोम पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हमें न्यू टैब खोल लेना है, ठीक है दोस्तों। न्यू टैब खुलने के बाद यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें आना है गूगल पर और हमें लिख देना है यहाँ पर वॉलपेपर, ठीक है, वॉलपेपर 4K लिख देंगे, ठीक है 4K। यहाँ पर हमें आने के बाद सर्च कर देना, उसके बाद हमें आ जाना है इमेज पे दोस्तों, ठीक है। तो ये जितना भी जो मिलेगा ना आपको वॉलपेपर, वो आपको फुल HD में, या ये यहाँ पर लिखा 4K, ठीक है, 4K आपको 4K में मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ से 4K में फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पर अभी आप लोग रुक जाओ, ठीक है। आपको डाउनलोड अभी ऐसे नहीं करना है, आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से डाउनलोड करना है जिससे आप अपनी वीडियो में फ़ोटो को इनको यूज़ करोगे तो कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने वीडियोज़ में आप बहुत सारी फ़ोटो को यूज़ भी कर सकते हो या 2-4 को भी यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन यहाँ पर एक सेटिंग करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जूम तो नहीं हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आओगे कोने पर ऑल लिखा हुआ है और ऑल के बगल में यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, जब क्लिक करोगे तो नीचे के सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। जैसे लिखा ना लेटेस्ट, उसके बाद HD प्रोडक्ट कलर्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, सॉरी ये चला गया, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जब यहाँ पर बैक आओगे तो यहाँ लिखा है यूजिंग राइट्स, ठीक है, उसके बाद इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ लिखा है क्रिएटिविटी कॉमन्स लाइसेंस, ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आप इनकी फ़ोटोज़ को, मैं किसी भी एक फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना गेट दिस इमेज ऑन विकीमीडिया कॉमन्स लाइसेंस डिटेल्स, ठीक है। मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे रिलेटेड आप जैसे भी किसी को भी इमेज को डाउनलोड करते हो आप किसी को भी, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिखा भी आ रहा है लाइसेंसबल, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है ना इमेज के ऊपर, लेकिन आपको वो इमेज डाउनलोड करनी है जैसे यहाँ पर तो है, आपको वैसी इमेज डाउनलोड करनी जिस पे किसी का लोगो ना हो, ठीक है, ना कोई वाटर मार्क हो, ठीक है। आपको ऐसी फ़ोटो डाउनलोड करनी है, ठीक है, तब आपको यूज़ करना अपनी वीडियो में। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना कि आपके फ़ोटो में किसी वाटर मार्क ना, किसी का वाटर मार्क ना हो या किसी का लोगो ना हो, ठीक है दोस्तों। जैसे ये सारी जो फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर जिस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ना किसी का वाटर मार्क है ना किसी का लोगो है दोस्तों। तो आप उसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड इमेज आ रहा है, ठीक है दोस्तों। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ डाउनलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये इसी तरीके से आपको करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से आपको मैंने बता दिया डाउनलोड करना है फ़ोटो, 4K फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं, वॉलपेपर बैकग्राउंड फ़ोटो, ठीक है, फुल HD फ़ोटो। आपको जो भी फ़ोटो डाउनलोड करना है आप इजी तरीके से गूगल पर जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेकिन बस वहाँ पर जो लाइसेंस कॉमर्स जो है, जैसे मैंने बताया आपको वीडियो के अंदर में, वो आपको जाकर वहाँ पर चूज़ करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी सारी फ़ोटो आएगी ना
वहाँ से आपको फोटो डाउनलोड कर लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी वॉलपेपर पे या किसी भी फोटो पे कोई वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, ना किसी तरीके का कोई लोगो होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस फोटो को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोज़ में, ठीक है, बैकग्राउंड में लगा सकते हो अपने फोटो को, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और आप लोग मुझे बताओ कि मुझे किस पे वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए, मैं उस पे वीडियो बनाकर आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।